मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कोटद्वार, सर जी और मैं। बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और आज सर जी और मैं कोटद्वार जा रहे हैं। वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी दे दी है, उसको डेंट पेंट करवाना है, थोड़ा डेंटिंग का काम है उसमें, और पोस्ट ऑफिस भी जाना है। तो देखते हैं और क्या क्या काम करते हैं वहाँ पे। तो अभी सर जी और मैं जा रहे हैं कोटद्वार, तो अभी सर जी बताएंगे कि क्या क्या करना है। सर जी, हमने वहाँ पे क्या काम है? मैडम, गाड़ी के दरवाजे पे स्क्रैच लगा हुआ है, वाइपर की रबड़ टूट रखी है, वो चेंज करानी है। अच्छा। पीछे वाला वाइपर भी बच्चों ने तोड़ दिया है, स्कूल के स्कूली बच्चे हैं ना, जो स्कूल के बच्चे ये गाड़ी में छेड़ते रहते हैं जब गाड़ी खड़ी रहती है नीचे रोड पे, क्योंकि गैरेज तो है नहीं, तो वहीं पे खड़ी रहती है और पार्किंग भी कहीं है नहीं स्कूली में। तो जो स्कूल के बच्चे हैं आने जाने वाले, वो क्या करते हैं कि वाइपर में इधर उधर छेड़ते रहते हैं, शीशे में कभी कुछ कभी कुछ। लास्ट टाइम भी उन्होंने वाइपर सारा मोड़ दिया था और इस बार भी उन्होंने वाइपर में वाइपर को जो है ख़राब कर दिया है, पता नहीं उसकी रबड़ तोड़ दी है सर कह रहे हैं। स्क्रैच लगे हुए हैं और स्क्रैच भी लगा हुआ है गाड़ी के मेरी साइड वाले दरवाजे में, तो वो भी ठीक करवाना है। तो डेंट भी करवाना है और पेंट भी करवाना है। तो ये देखिए, ये आज का मौसम कुछ इस तरह हो रखा है, मौसम बदल गया है एकदम से। कल तो अच्छा था, धूप थी काफ़ी, लेकिन आज मौसम ने एकदम करवट बदल ली है। तो यहाँ पे सर हम एक पंजाबी तड़का ले लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। बैरगांव छो तुम? धन्यवाद। अभी हम यहाँ पर रुके हैं 2 मिनट के लिए। ये रिसोर्ट तो दिखाई दे रहा है, ये द्वारिखाल जाने के रास्ते पे है। फ्रंट साइड इसका द्वारिखाल रोड में है, ये बैक साइड है। और ये भी एक रिसोर्ट है, बहुत बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं यहाँ पे। तब तक मैं आपको इधर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा व्यू है। आज ना मेरा दिल पता नहीं क्यों बहुत हिल मचल रहा है, तो सर जी अभी जा रहे हैं जलजीरा लेने। मैंने कहा थोड़ा जलजीरा ले आओ, यहाँ पे गुमखाल में रुके हम लोग, और जलजीरा लेके फिर चलते हैं आगे। ये दूसरा वाला फ्लेवर, इसे मैं पहली बार पी रही हूँ, अभी देखती हूँ कैसा है। तो वैसे मुझे दूसरा वाला पसंद है, नाम तो मुझे उसका भी याद नहीं है, लेकिन देखते हैं इसको भी कैसा होता है। तो ये अभी मैंने टेस्ट कर लिया है, अच्छा है इसका टेस्ट भी। तो कोई भी मिल जाए, चाहे ये मिले चाहे वो मिले, दोनों ही अच्छे हैं। और गाड़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिचकोले खा रही है, क्योंकि सड़क पूरी टूटी हुई है। यहाँ पे रोड की हो रही है पैचिंग, और बहुत ही बेकार पैचिंग ये हो रही है। आज ये रोड पैच कर रहे हैं और कल वो सारी उखड़ जा रही है, इस तरीके से काम हो रहा है। और सतपुली की तो रोड के हाल आपको पता ही है। देखिए, यहाँ पर भी कोई ख़ास अच्छा काम हो नहीं रहा है। इधर की रोड बहुत अच्छी है गुमखाल से और कोटद्वार तक, लेकिन गुमखाल टू सतपुली का जो रास्ता है, जो रोड है, वो बहुत बेकार और खट्टे खड्डे उसमें हो रखे हैं। और जो पैच वर्क हो रहा है वो भी बहुत बेकार हो रहा है। यहाँ पे तो बहुत अच्छा स्मूथ बनी हुई है रोड, काफ़ी टाइम से टिकी हुई है, मतलब टूटी नहीं है। तो अभी आ गए हम ऐता के पेट्रोल पंप में, और यहाँ पे थोड़ा सा डीजल डलवाएंगे गाड़ी में। इस बार हमने कम ही डलवाना है, क्योंकि गाड़ी खड़ी करनी है, तो थोड़ा सा डीजल डालेंगे बस। हाँ जी आंटी, चल। तो अभी पहुंच गए हम कोटद्वार, इधर GGIC है, हॉस्पिटल से आगे निकल गए हैं, सरकारी हॉस्पिटल जो है यहाँ पे। और ये है GGIC, इसके लिए बच्चे जा रहे हैं। मैं भी कभी यहीं पढ़ा करती थी, और इन बच्चों को देख के मुझे भी अपनी याद आ गई। इस समय छुट्टी हो रही है बच्चों की, एग्ज़ाम दे के जा रहे होंगे। और ये आ गया है हमारा गाड़ी घाट के रेलवे रास्ता, और ये आ गया है पोस्ट ऑफिस। तो अभी हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस में आ गए हम, और चाची चली गई अंदर, चलती हूँ मैं भी, फिर देखते हैं क्या क्या करना है वहाँ पे। और पोस्ट ऑफिस में लगी हुई है बहुत ज़्यादा भीड़, ये देखिए सारे काउंटर भरे हुए हैं पब्लिक से, और सभी जगह काम हो रहा है।
चाची ढूंढ रही है देवरानी जी को अभी कि देवरानी जी कहाँ गए हैं। तो अच्छा इधर हैं तो चलते हैं इधर। तो चाची यहाँ पे सेविंग से और फॉर्म भरी है, सेविंग खाते का भी नंबर डालना है, वो नंबर डाला जा रहा है। वैसे यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाची ने दे दिया है देवरानी जी के पास। तो अभी पहुँच गए हम महिंद्रा के शोरूम में और यहाँ पे सब्जी गए हैं बात करने के लिए इस साइड। तो अंदर चले गए शायद, दिखाई नहीं दे रहे। और उनसे बात करने के बाद जो भी वो कहेंगे उस हिसाब से हम गाड़ी को यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यह है महिंद्रा का शोरूम, ये तो गैराज है, खैर शोरूम इस साइड है। और यहाँ पे कर दिया हमने गाड़ी पार्क। अभी सर जी जा रखे हैं, आ गए उनके महिंद्रा के कर्मचारी और ये बता रहे सर जी यहाँ पे डेंट हो गया था। सर जी यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, कुछ जो फॉल्ट गाड़ी में आया है तो उसके बारे में सर जी बता रहे हैं। एक खटखट कर रही थी ये गाड़ी। तो अभी यहाँ पे कुछ पेपर वर्क हो रहा है और भैया भी निकल गए, हमारी ननद के रिश्तेदार चामी के ही हैं ये भी, चामी गांव के, मेरी ननद के परिवार से शायद है भैया उधर से। अच्छा आप वहाँ पे चामी में किसके परिवार से हैं, क्योंकि मेरी ननद भी रहती है ना वहाँ, निर्मला बुद्धि वल्लभ कुकसाल जी। मेरे फादर का नाम निर्मला प्रसाद कुकसाल। क्या क्या यमुना प्रसाद कुकसाल, निर्मला यमुना, यमुना सॉरी। अच्छा आपके फादर का नाम यमुना प्रसाद कुकसाल। अच्छा अच्छा हम लोग शुरू से देहरादून में रहे। अच्छा अच्छा छुट्टी में। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के, बहुत खुशी। तो आप करवा दीजिए जैसे भी होता है, जितना भी होता है ना। और सर का नंबर आपको दे दिया है, आप फ़ोन कर लीजिएगा। जैसा कि कोतवालू बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, गर्मी अभी से बढ़ने लगी है। तो यहाँ पे हम होते हैं ये भैया की दुकान में गन्ने का जूस पीने के लिए। गन्ने का जूस पीए फिर उसके बाद चलेंगे हम आगे। थैंक यू। तो अभी आ गए हम तोताराम भैया की दुकान में, छोले भटूरे रोटी, सर जी रोटी और छोले खाएंगे और मैं छोला भटूरा खाऊंगा। दिखाते हैं आपको बैक कैमरा से। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी आए हैं स्कूल से। कौन से स्कूल के भैया, हैप्पी होम के? अच्छा ब्लॉगिंग कर रहे हो। और इधर भी बैठी हैं, आप कहाँ से हो भाई? आरपी पब्लिक स्कूल के? ठीक है खाइए खाइए। और यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं भैया यहाँ पे छोले टिकिया बन वगैरह सभी चीज़। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, अभी तो लोग काफ़ी चले गए हैं यहाँ से। तो अभी छोले भटूरे हमने खा लिए और काफ़ी भीड़ यहाँ पे हो रखी है। ये देखिए ये भैया बहुत अच्छे बनाते हैं, हम जब पढ़ते थे हाई स्कूल में तब भी हम यहाँ पे खाने के लिए आते थे, मैं अपनी फ्रेंड मालती के संग यहाँ पर आती हूँ। और ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी छोले भटूरे या जो भी जिसको पसंद है टिकिया बन वगैरह सब यहाँ पर खाने आए हैं। और ये देखो ये पहुँचे हम भी हन्नी भाई की दुकान में और मंजुला लोग भी पहुँच गए हैं यहाँ पे। ये देखो ये देखो और ये देखिए सबके सब मिल गए हम यहाँ पे। ये देखिए मंजुला लोग जा रहे हैं मेरठ और हम जा रहे हैं सबको लिए यहाँ पे। इसको भी थी श्रेयस ने छोड़ी हुई थी। अरे भाई ने देखा है कागज गाड़ी के, श्रेयस ने यहाँ पे गाड़ी के कागज रखे थे डिक्की में, तो वही देख रहे हैं। और मंजुला बहन उल्टी उल्टी तो नहीं हुई है? अरे वाह बढ़िया। क्यों रखे, क्या खाया तुमने? लिपस्टिक नहीं आज वो तो है ही। मंजुला भाई ओके चल भाई हनी बाय बाय है चलते हैं। तो अभी हम निकल गए हैं कोटवार से और आज हम जा रहे हैं स्कूटी से। गाड़ी हमने छोड़ दी और बहुत टाइम बाद में स्कूटी में बैठ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जाम लगा हुआ है, अब ये जाम क्यों लगा हुआ है पता नहीं।
चलिए चल दी अब तो गाड़ियाँ। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई मैडम? यहाँ पे हाथी था। अच्छा हाँ हाथी था यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ जैम लगा हुआ था थोड़ी देर, लेकिन अब खुल गया है। हो सकता है नदी में पानी पीने गए हों इधर। ये नदी है नीचे की साइड, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी, और ये नदी है नीचे, तो यहाँ हाथी गए होंगे पानी पीने। और जैसे ही हाथी पानी पीने जाते हैं ऐसे ही लोग गाड़ी खड़ी करके उन्हें देखने लग जाते हैं। ये है नीचे में। चले गए क्या? और ये देखिए लोग हाथी को देख के वापस आ रहे हैं यहाँ पे सब। ये हाथी को देखने खड़े हुए थे तो अभी हाँ यहीं पे है। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये घास हो गई, ये देखिए ये है, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, पीठ दिखाई दे रही है उसकी केवल। ये देखिए चला गया, ये देखिए ये चला गया। कितना लंबा जाम लगा हुआ था, अब सारा जाम खुल गया है। और यहाँ पे भी रोड की रिपेयरिंग चल रही है। और ये देखिए जो इस साइड में ये दिखा रही हूँ आपको, ये हमेशा बरसात में इसी तरह यहाँ से बहुत बड़ी लैंडस्लाइड होती है। और ये देखिए ये झरना ऊपर से, इतने ऊपर से, और ये नीचे तक आ रहा है पानी, इतनी ऊंचाई से, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से। तो अभी हम रुक गए हैं यहाँ पे, सर जी को लग गई है थक बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम बाद उन्होंने स्कूटी चलाई है तो वो थक गए, तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं इस ऊबड़ खाबड़ रोड को पार करते करते अपने घर तक, और सर जी ने यहाँ पे स्कूटी खड़ी कर दी है, अब चलते हैं हम ऊपर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ऊबड़ खाबड़ सड़कों को पार करते हुए सतपुली तक, क्योंकि सड़कों के बुरे हाल हो रखे हैं और स्कूटी में तो थोड़ा हालत और ख़राब हो ही गई। हालाँकि मज़ा भी बहुत आया, लेकिन जो सड़क थी उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही थी रास्ते में। और सर जी के तो ज़्यादा ही बुरे हाल हो गए, बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, तो अब सर जी आके आराम करेंगे। बहुत दिनों बाद चलाई स्कूटी। हाँ सर जी ने बहुत दिनों बाद स्कूटी चलाई तो उन्हें बहुत थकान हो गई। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, लेते हैं आपसे विदा। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ इंजॉय करें। और आपको यदि आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।